हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल। माय नेम इज चौधरी श्वेता, स्टैंडर्ड सेकंड, चैप्टर ए, हाउसेस वी बिल्ड। ये हाउसेस वी बिल्ड आज हम चैप्टर देखेंगे, उसको मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दी गई है, एक एक्टिविटी दी गई है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दी गई है, एक एक्टिविटी। सम बिल्डिंग्स मटेरियल्स गिवन बिलो, राइट के फॉर द बिल्डिंग मटेरियल यूज फॉर मेकिंग कच्चा हाउस, पी फॉर बिल्डिंग मटेरियल यूज फॉर पक्का हाउस। यहाँ पे आपको जो नेम दिए गए हैं उसमें से बिल्डिंग मटेरियल्स ये सब दिए गए हैं, उसमें से अगर जो कच्चे हाउस के लिए यूज करना है उसके लिए के और पक्के हाउस के लिए पी। ब्रिक्स, तो ब्रिक्स किसके लिए होता है, पक्का हाउस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी। स्ट्रॉ, उसके लिए कच्चा हाउस, तो के। सीमेंट, पक्का हाउस। बाम्बू, कच्चा हाउस। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट, All of us need space in live. A house is a space in which we live, feel, live and feel safe. हम सबको ऐसे स्पेस चाहिए जहाँ पे हम अच्छी तरह से रह सकें, ठीक है। और ऐसे जगह कौन सी है, हाउस, ठीक है। हाउस ऐसे स्पेस है जहाँ पे हम अच्छी तरह से रह भी सकते हैं, वहाँ पे हम सेफ फील भी कर सकते हैं। It protects us from heat, cold, rain, storm, wind, animals and thieves. It also gives us comfort. वो हमें क्या प्रोटेक्ट करते हैं, हाउस हमारा हीट से बचाता है, कूल कोल्ड से बचाता है, रेन से बचाता है, स्टॉर्म वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और वहाँ पे हमें बहुत कंफर्टेबल फील भी करते हैं हमारे घर में। टाइप्स ऑफ हाउस, अब कौन कौन से टाइप ऑफ हाउस होते हैं वो देखते हैं, कौन कौन से टाइप्स होती हैं हाउस के वो देखेंगे। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हाउस, बहुत सारे टाइप्स के हाउस होते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, बंगलो। फर्स्ट हमें क्या दिया है, बंगलो। अब बंगलो इज द बिग सिंगल और डबल स्टोरेड हाउस विथ अ लॉन। बंगलों में क्या होता है, बहुत बड़ी जगह होती है, बहुत बड़ा होता है, सिंगल और डबल स्टोरेड हाउस होता है और विथ अ लॉन, ठीक है। तो ये सब क्या है, बंगलों की फैसिलिटी। ये हमें क्या बताना है, बंगलों के बारे में। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, अब ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग क्या होती है। Such a building has many floors with houses. They are called flats or apartments. Each flat may have two, three or more rooms. ठीक है, such building has a many floors. बहुत सारे बिल्डिंग के बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे उसमें अपार्टमेंट भी होते हैं और उसे हम फ्लैट भी कहते हैं, और ईच फ्लैट मे हैव टू थ्री और मोर रूम्स, और सारे ही फ्लैट्स में टू थ्री और मोर रूम्स होते हैं, दो तीन और उससे भी ज़्यादा रूम्स अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हमें क्या दिया है, हंट। Hunts are kaccha house. They made of mud, straw, wood, leaves, bamboo, poles, etc. They are not very strong. They do not cost much and are mostly found in villages. इधर हमें क्या बताया गया है फिर hunt के बारे में। Hunt को हम किस में ढूंढते हैं, कच्चा हाउस में आता है, वो पक्का हाउस में नहीं आता। और वो किससे बनते हैं, मड, स्ट्रॉ, वुड, लीव्स, बाम्बू, पोल से बनता है। वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हंट का,
पिक्चर भी दिया गया है. दे डू नॉट कॉस्ट मच, उसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती. आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस, हॉन्ट कहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, विलेजेस में. नेक्स्ट हमें क्या दिया है, स्पेशल हाउस. नेक्स्ट क्या है, स्पेशल हाउस. तो फर्स्ट इग्लू, एंड इग्लू इज मेड हाउस मेड फ्रॉम आइस. इधर देखो आपको इसका पिक्चर दिया गया है इग्लू का, वो किससे बनता है, आइस से बनता है. एस्किम्स लिव ऑन इग्लूस, जो एस्किम्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, इग्लूस में. नेक्स्ट हमें क्या दिया है, टेंट. देखो टेंट का हमें इधर पिक्चर दिया है. अ टेंट इज अ मूवेबल हाउस, इट इज मेड ऑफ क्लोथ एंड इट इज यूज वाइल कैंपिंग. टेंट को हम किस में बोलते हैं, मूवेबल हाउस में. किस में आता है, मूवेबल हाउस. मूवेबल मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके. इट इज मेड ऑफ क्लोथ एंड इट इज यूज वाइल कैंपिंग, वो किससे बनता है, क्लोथ से. और वो कब काम आता है, जब हम कैंपिंग करते हैं, तो हम जब पिकनिक जाते हैं तब. नेक्स्ट हमें कह दिया है स्टील हाउस. अ स्टील हाउस इज अ हाउस दैट बिल्ड हाई अबव द ग्राउंड यूजुअली विथ अ बाम्बू पोल्स. Such houses are built in places with very high rainfall, such as Assam and Meghalaya. इधर आपको उसका पिक्चर दिया गया है, वो किससे बनता है, बहुत ही ज़्यादा high above ground. ठीक है, वो बहुत ही ऊँचा होता है. देखिए कितना ऊँचा है, usually with bamboo poles. ये किसके ऊपर बनता है, bamboo poles के ऊपर. Such houses are built in a place with very high rainfall, such as Assam and Meghalaya. ये कहाँ पर बनता है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बारिश आए, ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल हो. कहाँ पर, आसाम और मेघालय. नेक्स्ट हमें क्या दिया है, कारवैन. कारावैन, इट इज हाउस ऑन व्हील्स. ये क्या है, कारावैन. ये किसके लिए काम आती है, अगर हमें कहीं पिकनिक जाना हो वहाँ पे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, रह भी सकते हैं. तो इट इज़ अ हाउस ऑन व्हील्स, ये ऐसी जगह है, ये पूरा हाउस है कहाँ पे, व्हील्स के ऊपर, व्हील्स के ऊपर. इट कैन मूव पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये क्या है, हम एक जगह से दूसरी जगह पे भी इसके अंदर जा सकते हैं, इसे भी हम क्या बोलेंगे, हाउस. उसके बाद हमें दिया है हाउस बोट, इट इज़ अ फ्लोटिंग हाउस. ये क्या है, फ्लोटिंग हाउस. देखिए यहाँ पे हमें इधर दिया गया है, मतलब हम ये क्या है, पानी के ऊपर ही चलती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग हाउस. नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, लॉग हाउस. लॉग हाउस आर फाउंड इन हिली एरियाज वेयर देयर आर मैनी ट्रीज एंड वुड इजीली अवेलेबल. लॉग हाउस कहाँ पे होता है, हिली एरियाज में होता है, जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज नहीं तो वुड मिल जाए, उसे हम क्या कहेंगे, लॉग हाउस. देखो यहाँ पे हमें इसका इमेज भी दिया गया है, यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी गई है. डियर फ्रेंड्स इफ यू वॉन्ट विजिट माई हाउस माई एड्रेस माई फोन नंबर. ये क्या करना है, आपको खुद से करना है. तो यहाँ पे सेल्फ, ये आपका क्या है, होमवर्क है. नेक्स्ट एक्टिविटी हमें क्या दी गई है, नेम द टाइप ऑफ हाउस, अ हाउस बिल्ड विथ लॉक्स. लॉक्स हाउस किससे बनता है, वो यहाँ पे आपको लिखना है. अ हाउस मेड ऑफ आइस,
आइस वाला हाउस क्या था वो यहाँ पे आपको लिखना है, अ हाउस मेड ऑफ बाम्बू पोल्स। पोल्स वाला हाउस कौन सा था वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। अ हाउस ऑन व्हील्स, व्हील्स पे कौन सा हाउस था जो हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं, हमने इसमें देखा था, वो भी आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्या दिया है, पीपल हु हेल्प अस टू बिल्ड अवर हाउस, मैनी पीपल हेल्प अस टू बिल्ड सम ऑफ देम। ठीक है, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो हमारा हाउस बनने के लिए मदद करते हैं। आर्किटेक्ट ही डिज़ाइन अवर हाउस बिफोर इट इज बिल्ड, वो क्या करते हैं वो हमारे हाउस को डिज़ाइन देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर, ही गिव्स अस वर्कर्स वेरियस जॉब्स टू डू, वो हमें किसके लिए मदद करते हैं, जितने भी लेबर्स होते हैं उनको क्या करते हैं अपनी अपनी जॉब दे देते हैं। लेबरर, ही इज अ पर्सन हु डिग्स कैरीज ब्रिक्स एंड डज अदर काइंड्स ऑफ वर्क, लेबरर क्या करते हैं हमारा घर बनाते हैं। नेक्स्ट, मासूम, ही लेज द फाउंडेशन रेजिस वॉल्स एंड मेक सेलिंग ऑफ अ हाउस विद द हेल्प ऑफ लेबर्स, वो क्या करते हैं हमारे हाउस को बनाते हैं, वॉल्स एंड सेलिंग ऑफ द हाउस हेल्प ऑफ लेबर्स, वो किसकी मदद करते हैं लेबर्स की। इलेक्ट्रिशन, ही फिट्स इलेक्ट्रिक वायर्स स्विचेस एंड बल्ब्स एक्सेट्रा, वो किसके लिए काम आते हैं हमारा जो हाउस है उसमें इलेक्ट्रिक वायर फिट करते हैं, स्विचेस लगाते हैं एंड बल्ब्स लगाते हैं। प्लम्बर, ही फिट्स ऑल द वाटर पाइप्स टैप्स एंड बाथरूम फिटिंग, वो किसके लिए काम आते हैं क्या फिट करते हैं हमारी वाटर लाइंस टैप्स एंड बाथरूम फिटिंग्स। कारपेंटर, ही मेक्स डोर्स कबर्ड्स एंड विंडोज, वो क्या बनाते हैं डोर्स कबर्ड्स एंड विंडोज। पेंटर, ही पेंट्स द वॉल्स एंड डोर्स एक्सेट्रा टू मेक देम ब्यूटीफुल, पेंटर क्या करते हैं हमारे जो वॉल्स है उसे पेंट करते हैं, डोर्स को पेंट करते हैं और हमारा घर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। देखिए इधर आपको दिया है इमेज इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, कारपेंटर का और पेंटर का, इधर क्या करना है ये आपको एक्टिविटी करनी है। ये क्या है सेल्फ होमवर्क। नेक्स्ट क्या दिया गया है, गुड हाउस, अ गुड हाउस, अ गुड हाउस इज अ आइडल इन एवरी वे, इट रूम्स आर वेल वेंटिलेट एंड स्पेक्यूस, वो बहुत ही गुड हाउस मतलब वहाँ के रूम बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, वेरी कंफर्टेबल, क्लीन एंड टाइडी होते हैं, द रूम्स वेरी लीट एंड एरी, वहाँ के रूम बहुत ही ज़्यादा एरी होते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी हवा आती है। एनिमीज ऑफ द हाउस क्लीन, देर आर सम क्रिएचर्स दैट मेक हाउस डर्टी, दे कैरी जर्म्स एंड स्प्रेड इन द हाउस एंड दे कम्स एनिमीज ऑफ क्लीन हाउस सम ऑफ सोन अलॉन्ग साइड, ये सब कौन होते हैं हमारे हाउस को बहुत ज़्यादा डर्टी करते हैं, कौन होते हैं कॉकरोचेस एंड रैट। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया गया है, सर्कल द पिक्चर वी शोज अ गुड हाउस, इसमें से कौन सा गुड हाउस है उसको आपको सर्कल करना है, कौन सा है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर, ये जो चैप्टर था वो ओवर होता है। थैंक यू।